नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। अमेरिका ने ह्यूमन ट्रायल के लिए भेजी कोविड 19 की वैक्सीन। जहां इस समय दुनिया में कोविड 19 का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, वहीं अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। इसके बाद अमेरिकी कंपनी बड़ी तेजी से कोविड 19 के इलाज को ढूंढने में लगी हुई थी। वहीं हाल ही में खबरों के अनुसार अमेरिकी कंपनी ने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए भेजा है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी और उसकी जर्मन पार्टनर का कहना है कि अगर यह वैक्सीन कोविड 19 के लिए कारगर साबित होती है तो इस साल के अंत तक पूरे अमेरिका इसे पहुंचा दिया जाएगा। खबरों की माने तो अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाए गए वैक्सीन मैसेंजर तकनीक पर काम करती है। ऐसा माना जा रहा है कि कोविड 19 के खिलाफ अच्छा काम करेगी। अमेरिका में 1 मिलियन से अधिक लोग कोविड 19 की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 68,000 से अधिक लोगों ने दुनिया को अलविदा भी कह दिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशानुसार सभी वैक्सीन निर्माता कंपनियां लगातार दिन रात कोशिश करके कोविड 19 के इलाज को ढूंढने में लगी हुई है, जिसके बाद सभी देशों की नजर ही अमेरिका के इस वैक्सीन पर जुट गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, कोविड 19 को हराना भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। देश जहां एक तरफ सारी दुनिया कोविड 19 के मुकाबले के लिए तैयार खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और भारत सरकार काफी ज्यादा परेशान है। बीते दिन भारत में प्रभावितों की संख्या 49,000 को पार कर चुकी है, जिसके बाद एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान नितिन गडकरी ने बताया कि भारत के लिए कोविड 19 का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोविड 19 के खिलाफ भी हमारी कोशिश जारी है। वहीं इसी बीच इकोनॉमी की समस्या भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। हालांकि इसके रोकथाम के लिए बार बार सरकार आम नागरिकों से सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रही है। वहीं लोगों से यह उम्मीद भी की जा रही है कि लोग सरकार द्वारा जारी किए गए हर एक आदेश का पालन करें, ताकि हम इसे जल्दी से रोक सके। पश्चिम बंगाल में अचानक कोविड 19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ी। पश्चिम बंगाल में कोविड 19 के असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों में वहां पर कोविड 19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल में 1 मई को कोविड 19 के मरीजों की संख्या 623 थी और जान गंवाने वालों का आंकड़ा 33 था। वहीं 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया, मगर 3 मई को कोविड 19 के मामले 738 हो गए। वहीं जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई। हालांकि फिर भी 4 मई तक पश्चिम बंगाल में स्थिति सामान्य नजर आ रही थी, लेकिन 5 मई को मरीजों की संख्या अचानक से 908 हो गई और जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 133 हो गई। यानी एक दिन में 98 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं 6 मई को पश्चिम बंगाल में मरीजों की संख्या 1344 और जान गंवाने वालों का आंकड़ा 140 पर पहुंच गया, जिसके बाद भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि भाजपा शुरू से ही इस बात का दावा करती आई है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है और न ही पश्चिम बंगाल में कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों के साफ आंकड़े को दर्शा रही है। इतना ही नहीं, बीते दिन केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी पर कोविड 19 के जारी जद्दोजहद में सहयोग नहीं करने की बात भी कही थी और यही कारण है कि भाजपा उनसे उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कल से शुरू होगा विदेशी भारतीयों देश में लाने का काम। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण बंद के ऐलान के बाद भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को उनके राज्य पहुंचाने का काम शुरू किया था, वहीं अब केंद्र सरकार ने दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। खबरों की माने तो विदेशी भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने 64 विमानों के उड़ानों का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन को वंदे मातरम मिशन नाम दिया गया है। इसके तहत सरकार पहले चरण में खाड़ी देश अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मालदीव, बांग्लादेश तथा कुछ अन्य देशों से 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाजों से कुल 14,800 लोगों को स्वदेश लाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने भारत आने वाले लोगों की वापसी के लिए किराया तय कर दिया है, जिसके तहत खाड़ी देशों से आने वाले यात्रियों को 15,500 देने होंगे, वहीं ब्रिटेन से आने वालों को 50,000 और बांग्लादेश से आने वालों को 12,000 चुकाने होंगे। जनधन खाते में सरकार ने डाली दूसरी किश्त। केंद्र सरकार के आदेशानुसार जनधन खाते में सरकार ने दूसरी किश्त जमा कर दी है, जिससे कि लगभग 10 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचा है। खबरों की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च के अंत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आने वाले सभी महिला खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान जारी किया था और बीते महीने समय पर राशि ट्रांसफर भी कर दी गई थी। वहीं इस महीने भी सभी जनधन खातों के लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुंचा दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जनधन खाते के तहत करोड़ों महिलाओं को राशि पहुंचाने के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया है। सरकार के इस पैकेज में जनधन खाता धारक महिलाओं को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की सहायता के अलावा गरीबों को मुफ्त अनाज, दाल और खाने पकाने के गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया सुपर ह्यूमन। भले ही भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना विपक्षी दल आए दिन करते रहते हैं, मगर सभी विदेशी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानते हैं। इसी का प्रमाण हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत के एक बयान के बाद देखने को मिला है। खबरों की माने तो कोविड 19 के इस माहौल में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए ऑस्ट्रेलिया के भारत में उच्चायुक्त बैरी ओफ्रेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सुपर ह्यूमन जैसा बताया है। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर ह्यूमन जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जिस तरह से कोविड-19 की जारी जद्दोजहद में डटकर खड़े हैं वह प्रशंसनीय है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंख्या के मामले में विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री है, मगर ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से वो बाहर आ रहे हैं और दूसरे देशों के नेताओं से संपर्क करने के लिए समय निकालते हैं वह बेहद ही सराहनीय है, जिसका वीडियो उसी मीडिया हाउस के वरिष्ठ परामर्श संपादक ने शेयर किया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा देश से लेकर विदेश तक के लोग मान रहे हैं। राहुल गांधी और अभिजीत बैनर्जी ने मोदी सरकार को दी सलाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी से भारत के मौजूदा अर्थव्यवस्था पर बातचीत की है, जहां पर दोनों नेताओं ने कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बारे में, साथ ही अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के मुद्दे पर बातचीत की है। इससे पहले राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से भी अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर बात की थी। वहीं राहुल गांधी और अभिजीत बैनर्जी के बीच हुए वार्तालाप की बात करें तो अभिजीत ने यह कहा है कि अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देना चाहिए कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा दे। उनका मानना है कि लोगों की खरीद क्षमता बनी रहनी चाहिए। उनका यह भरोसा भी बना रहना चाहिए कि जब बंद खुलेगा तो उनके हाथ में खर्च करने के लिए पैसे होंगे। इसीलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मुहैया करवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की तरह भारत को भी अपने नागरिकों को बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसे आए और बाजार में मांग भी बढ़ सके। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। कोविड-19 के इस माहौल में पेट्रोल और डीजल की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली है, और यही कारण है कि सरकार ने बीते दिन पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। खबरों की माने तो सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आम नागरिकों की जेब पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि राहत की बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम उपभोक्ता के लिए नहीं बढ़ेंगे बल्कि वही रहेंगे। पेट्रोल पर 8 रुपए रोज सेस, वहीं 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। वहीं इस तरह ही 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद डीजल पर 8 रुपए रोड सेस और वहीं 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसके बाद कुल मिलाकर 13 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बीते दिन मध्यरात्रि से लागू हो गया। हालांकि सरकार के एक अधिकारी की माने तो बंद के कारण कच्चे तेल की खपत में भारी गिरावट हुई है, लेकिन तेल के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई है। इसीलिए दुनिया के तेल मार्केट में मंदी है और तेल की कीमत नीचे आ गई है। इटली ने भी वैक्सीन बनाने का किया दावा। अमेरिका समेत विभिन्न देशों के 100 से ज्यादा वैक्सीन को फ्री क्लिनिकल ट्रायल पर लगा दिया गया है। उनमें से कुछ को इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दिया गया है। इन सब के बीच इटली ने भी अब दावा किया है कि कोविड-19 के इलाज को ढूंढ निकाला है, और अगर इटली का यह दावा सही निकला तो यह बड़ी उपलब्धि साबित होगी और इसे पटरी से उतर चुके जिंदगी फिर से सामान्य हो सकेगी और लोग पहले की तरह ही अपना काम कर पाएंगे। खबरों की माने तो इटली के नजारो स्प्लेंजानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं ने स्प्लेंजानी हॉस्पिटल में टेस्ट किया है और चूहे में एंटीबॉडी तैयार की है। इसका प्रयोग फिर इंसान पर किया गया है और इसने अपना असर दिखाया है। नजारो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं के मुताबिक जब इस वैक्सीन का इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो देखा गया कि इसकी कोशिकाओं में मौजूद कोविड-19 के कण खत्म हो रहे हैं, जिसके बाद सारी दुनिया को काफी ज्यादा उम्मीद मिली है। अगर इटली का यह दावा सही होता है तो जल्द ही कोविड-19 से पूरी दुनिया विजय पाने में कामयाब रहेगी। भारत में 30 से अधिक वैक्सीन ट्रायल स्टेज में, जहां एक तरफ देश भर में कोविड-19 के इलाज को ढूंढने की खबर सामने आ रही है, भारत में भी एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत देश में 30 से अधिक वैक्सीन को ट्रायल स्टेज में पहुंचा दिया गया है, जिसकी जानकारी विशेषज्ञों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविड-19 के इलाज को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए बीते दिन कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता भी की है। इसके साथ ही मीटिंग में मौजूदा एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि कोविड-19 में से जो संभव है वह वैज्ञानिक कार्यप्रणाली की हमारी नियमित शैली का हिस्सा बनाए। इसके बाद सभी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 से भी अधिक भारतीय वैक्सीन पर काम किए जाने की बात कही है। इतना ही नहीं, पौधे के अवशेषों पर भी कुछ उत्पादों की कोरोना विरोधी गुणों के लिए जांच की जा रही है। आपको बता दें, भारत में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए ऐसे में वैक्सीन के ट्रायल स्टेज में पहुंचने की खबर काफी लोगों के लिए राहत साबित हो सकती है। बंद के बीच बेटी जीवा को पेट डॉग को ट्रेन करना सिखा रहे हैं धोनी। महेंद्र सिंह धोनी और उनकी बेटी जीवा को आए दिन काफी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। वहीं अब एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी और उनकी बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें धोनी अपनी बेटी जीवा को रांची के फार्म हाउस के गार्डन में पेट डॉग के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकेंगे कि धोनी और उनकी बेटी जीवा को बता रहे हैं कि पेट डॉग को कैसे ट्रेन करना है, जिसके लिए जीवा के पास एक बॉल दे रखी है जिसमें वो बार बार उछाल रही है और पेट डॉग उसे कैच करता है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर आए दिन एक्टिव नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनके फैंस उनसे ज्यादा एक्टिव मोड में रहते हैं और किसी भी खबर से पीछे नहीं छूटते हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी जानकारी उनकी पत्नी साक्षी के सोशल मीडिया हैंडल से मिल जाती है। आए दिन साक्षी धोनी और जीवा की वीडियोस को और तस्वीरों को शेयर करती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या भारत भी वैक्सीन बनाने में सफल हो पाएगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।